मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपना भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित कुछ फैक्चुअल पॉइंट के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां मौजूद थी और वर्तमान समय में कौन कौन सी अनुसूचियां मौजूद है, और जो बाद में अनुसूचियों को भारतीय संविधान की में जोड़ा गया तो वे कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई और कौन कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से और कब कब जोड़ी गई थी। तो शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सेशन। और शुरू करने से पहले जो भी नए छात्र छात्राएं पहली बार चैनल को विजिट कर पा रहे हैं उन सभी से आग्रह है वो सब एक बार श्री एजुकेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री एजुकेटर पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सेशन। तो टॉपिक बताया मैंने आपको, आज का हमारा रहने वाला है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो मूल संविधान के अंदर जब संविधान बन के इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी बन के तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1940 को, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ये बात अच्छे से याद रखना। तो एक तो बन के तैयार होना और एक बन के लागू होना। लागू हो जिस दिन लागू हुआ उसको यानी कि मूल संविधान कहा जाएगा। तो उस टाइम भारतीय संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी। कितनी, 8। वर्तमान समय में कितनी है, वर्तमान समय में है टोटल 12 अनुसूचियां। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो पहली अनुसूची कब जोड़ी गई और कौन सी है, तो पहली अनुसूची मतलब कि जो 9वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है। दूसरी अनुसूची जोड़ी गई, वो जो 10वीं अनुसूची है वो है दल बदल संबंधी जो कि 1985 में जोड़ी गई थी। और कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर उसके पश्चात हमारे संविधान के अंदर 73वां अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायत संबंधी है, पंचायत को लेकर है 11वीं अनुसूची। उसके पश्चात 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर पालिका को ध्यान में रखकर नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटीज के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि नगर पालिका विषय से संबंधित है, नगर पालिका विषय से संबंधित है। क्लियर। तो हमने यहाँ पर बात की 9, 10, 11, 12 यानी कि बाद की जो वर्तमान समय में 4 अनुसूची है कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और कौन कौन से अनुसूची किस विषय से संबंधित थी, इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करी। तो पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, पहली अनुसूची में बताया गया कि कौन कौन से विषय सम्मिलित है। तो पहला विषय इसमें राज्यों का नाम एवं उनका क्षेत्राधिकार से संबंधित है कि राज्यों को क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम रख सकते हैं और उनका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक मौजूद है, और उनका क्षेत्राधिकार घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, इस विषय संबंधी प्रावधान हमारा संविधान की पहली अनुसूची में व्याख्यायित है। और ये UPPCS 2014 CDS 2022 में क्वेश्चन बना। दूसरा आता है हमारा इसी के अंदर पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों का नाम एवं उनका विस्तार, यानी संघ के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार कहाँ तक है, तो वो भी सब पहली अनुसूची का विषय है। ठीक है। और ये IAS 2001 में क्वेश्चन बना। अब बात आती है दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये है संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियों के बारे में, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति,
अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कितने राज्य हैं भारत के अंदर जहां पर विधान परिषद मौजूद है, जबकि राज्यसभा मोस्टली सभी राज्यों के अंदर मौजूद है, जबकि विधानसभा कितने राज्यों के अंदर मौजूद है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। छठा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश संबंधी। सातवां हमारा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो महा उपलब्धियां हैं वो सभी अनुसूचित दो में व्याख्यात है। क्लियर। अनुसूची तीन, इसके अंदर शपथ संबंधी प्रावधान है, जो भी संवैधानिक पद पर मौजूद हैं, आसीन हैं, उनके शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप कौन कौन से, जैसे संघ के मंत्री, शपथ संबंधी प्रावधान, संसद के सदस्य, संसद में चयन हेतु उम्मीदवारों के लिए, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल में चयन हेतु उम्मीदवारों के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ संबंधी प्रावधान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायाधीशों के लिए, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए शपथ संबंधी प्रावधान अनुसूची तीन में है। पूछ ले कि शपथ संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची से संबंध है, तो वो अनुसूची तीन से संबंधित है, और वेतन भत्तों से संबंधित अनुसूची दो है। ये कह रहा है ना कि संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियां, तो ये किसको डिनोट करता है, ये वेतन भत्तों से संबंधित है, वेतन एवं भत्तों से, जो उनके वेतन डिसाइड करने या फिर वेतन देने संबंधी जो अनुसूची का कौन से अनुसूची में प्रावधान है, तो वो अनुसूची दो में है। राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश संबंधी क्षेत्र का प्रावधान कौन सी अनुसूची में, वो पहली अनुसूची में है, और शपथ संबंधी प्रावधान हमारा तीसरी अनुसूची के अंदर है। अब बात करते हैं अनुसूची चार। तो चौथी अनुसूची में क्या है, देखो भाई, लोकसभा और राज्यसभा ये हमारे क्या हैं, ये संसद के दो सदन हैं, तो ऐसे ही राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब कि राज्यसभा के लिए जो सीटों का आवंटन का प्रावधान है वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2015, यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन बना। ये क्या करते हैं, मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि कौन सी अनुसूची कौन से विषय से संबंधित है। तो राज्यसभा के अंदर सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट आता है हमारा पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है, यानी एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि वहां पर प्रशासन कैसे किया जाना है, किस प्रकार का प्रशासन किया जाना है, और उस क्षेत्र को नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है, इस संबंधी जो प्रावधान या उपबंध है वो पांचवी अनुसूची में। ये पूरे भारत के क्षेत्र के लिए है, कम ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया में जहां पर एससी एसटी संबंधी एरियाज हैं वहां के प्रशासन और नियंत्रण के लिए है पांचवी अनुसूची, काफी महत्वपूर्ण है। जबकि छठी अनुसूची में क्या है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, यानी नियम भी नियम है। तो छठी अनुसूची में क्या होता है, एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर यानी कि क्या है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्य हैं आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, तो इनके बारे में प्रावधान किया गया है, इनके अंदर जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रशासनिक उपबंध किए जाने का प्रावधान छठी अनुसूची में एटीएम स्क्वायर, यानी एटीएम एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट एरिया में 3M है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो इसे याद रखने का तरीका यह है कि आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, यानी एटीएम स्क्वायर, तो एटीएम में मनी नहीं है, यानी मणिपुर नहीं है, तो इस तरीके से हम याद करने का प्रयास करते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन बनाइए, यूपी ट्रिपल एससी ज्यूडिशरी में 2023 में यहां से क्वेश्चन बना। क्लियर। तो एटीएम में मनी नहीं है, यानी मणिपुर नहीं है। क्लियर। पांचवी अनुसूची का अच्छे से समझ में आया कि ओवर ऑल इंडिया के अंदर जनजातीय
जाति और जनजाति अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए प्रशासनिक और नियंत्रण संबंधी उपबंध है, जबकि छठी अनुसूची में एटीएम स्क्वायर असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। क्लियर। अब बात करते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या है? ये शक्ति पृथक्करण संबंधी प्रावधान करता है, शक्ति का बंटवारा। शक्ति पृथक्करण मतलब कि शक्ति का बंटवारा किस किस के मध्य? सेंटर यानी यूनियन और यूनियन और यानी संघ एवं राज्य यानी स्टेट के मध्य। तो एक तो होगा संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, जो कि जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम 97 विषय थे इसके अंदर, परंतु इसमें क्या होता है, हमारे संसद क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसमें परिस्थिति के अनुसार क्या करते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें बढ़कर वर्तमान समय में 100 विषय हो गए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मूल संविधान में जो संघ सूची थी कितने विषय थे और वर्तमान में कितने हैं, जबकि राज्य सूची मतलब संघ सूची मतलब ऐसे विषय जो संघ ही कानून बना सकता है, तो वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची वो सूची है यानी वो लिस्ट है जिसमें राज्य ही कानून बना सकता है। तो मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में घटाकर 61 विषय कर दिए गए हैं, जबकि देख लो संघ सूची में बड़े हैं और राज्य सूची के विषय कम हुए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची ऐसी है कि इसमें सेंटर और राज्य आपस में मिलकर कानून बनाने का प्रयास करते हैं। मूल रूप से इसमें 47 थे, परंतु वर्तमान समय में 52 विषय मौजूद हैं। तो देख लिया आपने यूनियन में कितने थे, 97 थे, वर्तमान में कितने, 100 है। स्टेट में कितने थे, स्टेट में 66 थे, वर्तमान में कितने, 61 है। कॉन्करेंट में कितने हैं, कॉन्करेंट में 47 थे, वर्तमान समय में कितने हैं, 52 है। तो ये विषय भी पूछ लिए जाते हैं। के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन, ठीक है, यानी शक्ति पृथक्करण। ये एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन बना, यूपी ट्रिपल यूपी पीसीएस में 2022 में यहां से क्वेश्चन बना। नेक्स्ट आता है हमारा आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची जो है वो भाषाओं को लेकर प्रावधान करती है। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो मूल संविधान था उस टाइम 14 भाषाएं थी भारतीय संविधान के अंदर, परंतु वर्तमान समय में 22 भाषाएं जोड़ी गई। बात करेंगे कौन सी भाषाएं कब और कितनी भाषाएं, यानी जो बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई, कौन सी भाषाएं कब और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, इस पर भी चर्चा करेंगे। यानी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को सम्मिलित करती है आठवीं अनुसूची। क्वेश्चन बनता है कि भाषाओं संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में, तो वो आठवीं अनुसूची में। शक्ति पृथक्करण संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, तो वो कौन सी अनुसूची में, वो हमारा सातवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है। तो इसमें जो बाद में शुरुआत में कितनी थी, मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान समय में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। तो तात्पर्य यह है कि 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई और ये भी अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा। तो बात करेंगे कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। तो क्या हुआ, एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया कब, 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 के अंतर्गत। क्लियर। फिर उसके पश्चात सिंधी जोड़ी गई पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। फिर क्या होता है, हमारे संविधान के अंदर 71वां संविधान संशोधन किया जाता है, कौन सा, 71वां, कब, 1992 में 71वां संविधान संशोधन करने के माध्यम से कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोकनी, मणिपुरी और नेपाली। कोकनी KMN यानी कोकनी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। क्लियर है। फिर क्या होता है, 52वां संविधान संशोधन किया गया हमारे संविधान में 2003 के अंदर, और इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथालिस, यानी BDMS, ये 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, कब, 2003 में 52वां
संविधान संशोधन यानी 92 अमेंडमेंट के माध्यम से 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई, BDMS, KMN यानी, या फिर KNM कर लो, यानी है ना, यानी कोकनी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी कब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं मौजूद थी, वर्तमान समय में 22 भाषाएं मौजूद हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची अभी मैंने आपको बताया 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधारों से संबंधित है और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन, मतलब कि जो जमींदारी प्रणाली हमारे देश में विकसित थी तो उनके उनको खत्म करने और भूमि संबंधी सुधारों को लाने के लिए और अन्य मामलों से संबंधित ये अनुसूची रखी गई। कब? पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। पूछ लगा भाई पहला संविधान संशोधन हमारे देश के अंदर कब हुआ, तो वो 1951 में हुआ। ये UPPCS मेंस 2003 में क्वेश्चन बना, CDS में 2022 में, और जबकि UPPCS में 2023 में क्वेश्चन बना है। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल संबंधी अनुसूची है, भूमि सुधार संबंधी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में। दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची है, तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के जो सदस्यों के बारे में उपबंध इस अनुसूची के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 यानी 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये जो कानून जोड़ा गया कब, 10वीं अनुसूची में 1985 में, कब, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। तो दल बदल कौन से अनुसूची से संबंधित है, 10वीं अनुसूची। UPPCS लोअर सबऑर्डिनेट 2013 में क्वेश्चन बना, UPPCS 2023 में क्वेश्चन बना यानी पिछले साल। अब आता है 11वीं अनुसूची जो कि मैंने अभी बताया किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। कब जोड़ी गई, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। तो पंचायत की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है। इसमें टोटल 29 विषय हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है 29 विषय हैं कि कितने विषय हैं पंचायत में, 29। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और ये UPPCS 2015 में क्वेश्चन बना और SSC CPO में 2020 में क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ। अब आता है अंतिम अनुसूची जो कि काफी महत्वपूर्ण है, 12वीं अनुसूची। ये नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों से संबंधित है और इसमें कितने विषय, 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 47वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। क्लियर। 11वीं भी 73वें संविधान संशोधन द्वारा और नगर पालिका किससे, 12वीं अनुसूची से संबंधित, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा अच्छे से समझाया गया, जो कि प्रयास किया गया अच्छे समझाने का, आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा आता है संविधान की प्रस्तावना। यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन सीधे आते हैं, बनते हैं और बने हुए भी हैं, तो इसे भी समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से कि संविधान की प्रस्तावना संबंधी क्या क्या प्रावधान किए गए। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान सभा के अंदर, संविधान के अंदर उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा लाए गए और कब लाए गए और कब इनको स्वीकृत किए गए, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 में लाए गए थे, जो कि 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किए गए थे। किसके द्वारा लाए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कब, 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकार कब किए, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में देखते हैं क्या क्या है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया, तो ये कहां से लिया गया, संविधान की प्रस्तावना से लिया गया। ये MPPCS 2016 में क्वेश्चन बना, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान बनाने की शक्ति है वो भारत के लोगों में निहित है।
सर्वप्रथम किस देश में प्रस्तावना उद्देशिका को यानी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को अपनाया गया? ये अमेरिका यानी यूएसए के अंदर। प्रस्तावना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया? ये अमेरिकी संविधान से अडॉप्ट किया गया था। प्रस्तावना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय देने की बात की गई? कितने प्रकार के न्याय देने की बात कही? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय देने के लिए हम रिजर्वेशन का प्रावधान किया हुआ है। राजनीतिक न्याय जैसे कि वोट देने का अधिकार हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान ही मिल गया था, कि जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई और वोट देने का अधिकार 18 वर्ष, मतलब कि पहले क्या होता था, 21 वर्ष की आयु के लोगों को, नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया जाता था, परंतु 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से अमेंडमेंट किया गया और इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, कि अब वर्तमान समय में वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है। तो राजनीतिक अधिकार हमें जैसे कि वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था कब? स्वतंत्रता प्राप्ति पर ही। और सामाजिक न्याय देने का अधिकार राज्य द्वारा क्या किया जाता है? राज्य द्वारा रिजर्वेशन के माध्यम से देने का प्रयास करता है। और आर्थिक न्याय जैसे कि मनरेगा स्कीम लेके आते हैं आर्थिक न्याय को देने के लिए राज्य द्वारा, मनरेगा स्कीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको रोजगार देने का प्रयास किया जाता है। कितने प्रकार के न्याय हैं? तीन प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये क्वेश्चन देख लो आप, एसएससी जेई में 2019 में बना, यूपीपीसीएस में आरओ एआरओ में 2021 में क्वेश्चन बना, और 2017 में आपका यूपीएससी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बना था ये। नेक्स्ट, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है? तो एसएससी सीएचएसएल 2017 में ये क्वेश्चन बना था। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है? तो ये पांच प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये पांच प्रकार की स्वतंत्रता देने का बात हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावना में की गई है। क्लियर? प्रस्तावना में भारत की प्रगति किस प्रकार की बताई गई है? ये सीडीएस 2020, यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन बना। तो हमारे भारत की जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें बताया गया कि हमारे भारत की प्रगति कैसी है? संप्रभु है यानी सोवरन है, समाजवादी है, धर्म निरपेक्ष है यानी पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। अब इनके ना मतलब होते हैं, जैसे संप्रभु यानी कि अपने देश के अपने घर के डिसीजन खुद स्वयं लेंगे, किसी पर आश्रित नहीं है, समाजवादी समाज के उत्थान के लिए, धर्मनिरपेक्ष कोई भी धर्म यहाँ पर सर्वोच्च नहीं है, सभी धर्म के लिए समभाव की दृष्टि से आदर सम्मान किया जाता है, लोकतांत्रिक जनता का शासन होता है, गणराज्य राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है ना कि मनोनीत होता है, ना कि उत्तराधिकारी राजा का शासन नहीं है, यहाँ पर जनता द्वारा चुनकर भेजा गया राष्ट्र का अध्यक्ष है। ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तावना में संविधान के क्या उद्देश्य बताए गए हैं? प्रस्तावना में क्या उद्देश्य बताए गए हैं? स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय। न्याय हमने देख लिया तीन प्रकार की, स्वतंत्रता हमने देख ली पांच प्रकार की, और समता दो प्रकार की मौजूद है, और बंधुत्व बढ़ाने वाली। तो ये एसएससी जेई में 2020 में क्वेश्चन बना। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार अमेंडमेंट किया गया? तो केवल एक बार अभी तक अमेंडमेंट किया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इमरजेंसी के टाइम में यानी आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के प्रस्तावना में एक बार अभी तक अमेंडमेंट किया गया है। और उसके माध्यम से क्या जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया भैया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन वर्ड जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? यहाँ पर
स्लाइड जो है वो शो नहीं कर पा रही। तो ये उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2003 में क्वेश्चन बना, सीडीएस 2020 में क्वेश्चन बना। तो इसका आंसर क्या, अभी मैंने ये बताया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया आपातकाल के दौरान। तो कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, अभी बताया हमने, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कहां पर जोड़े गए, प्रस्तावना में। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, किस वाद यानी किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। तो ये बेरुबारी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। तो बेरुबारी संघ है वाद 1960 का, यूपीपीसीएस 2017 में एक क्वेश्चन बना, महत्वपूर्ण है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये एस आर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की गई। ये यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन बना। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न माना। तो ये केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्यवाद यानी केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती केस, बड़ा फेमस केस है ये। और 1973 में इसके दौरान क्या हुआ, एक संवैधानिक पीठ का सृजन किया गया जो कि 13 जजों की थी, अभी तक की सबसे बड़ी पीठ है, 13 जजों की थी, जो कि संपत्ति के अधिकार को भी इस पीठ के माध्यम से क्या किया गया, डिसीजन दिया गया था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस टाइम मूल अधिकार था। तो संसद द्वारा फिर क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, 44वां संविधान संशोधन लाया गया 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक संवैधानिक अधिकार यानी विधिक अधिकार 300 कै में रख दिया गया। किसने प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा, तो किसने कहा, ये ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। ये यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन बना है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यवल कहा है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में क्वेश्चन बना। ये के एम मुंशी जी द्वारा ऐसा कहा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरे द्वारा कराए जा रहे प्रयास आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज हमने अनुसूची और प्रस्तावना का जो फैक्चुअल थे और अमेंडमेंट भी दिए किए गए समय को ध्यान में रखते हुए, वो सभी फैक्चुअल पॉइंट हमने अच्छे से कवर कर लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी के द्वारा जो अपना धैर्य देकर ध्यान से सुना है उसके लिए आपका सहृदय से धन्यवाद। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो फीडबैक के तौर पर लाइक्स करें, कमेंट करें, साथ ही अगर आपको सजेशन देना है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में सजेशन कर सकते हैं। साथ ही आप अपने दोस्तों तक इसीरी एजुकेटर यूट्यूब चैनल को अवश्य शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश नई उमंग के साथ। बने रहिए सिरी एजुकेटर यूट्यूब चैनल के साथ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।